देखिए ये नज़ारा है यहाँ का नर्रा के गांधी घाट का। तो कहाँ पर हम देखेंगे तो श्रद्धालु काफ़ी पहुँच रहे हैं यहाँ पर इस घाट पर। घाट की हम बात करें तो काफ़ी जोरी तोर से। देखिए ये है हजारा नहर। तो हरा रंग ने दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं नर्रा के गांधी घाट पर और ये जो देख रहे हो आप ये पूरा पक्का घाट बनाने का काम चल रहा है और जो कि नर्रा के डैम के पास ही दिख रहे हो आप ये पूरा ये पत्थर वगैरह लगा दिए गए हैं और जल अचानक से ऐसे बढ़ा है जो बरसात पहाड़ों पर जो हो रही है उस वजह से यहाँ पर देखिए नर्रा के डैम पर कितना ज़्यादा जल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अचानक से जल बढ़ा है और जो जल साफ आ रहा था बिल्कुल जो मैंने यहाँ की वीडियो आपको दिखाई थी पहुँचा पूरा मटमैला जल पहुँच रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दिखाते हैं आपको ये पूरा घाट यहाँ का नर्रा का। तो आप देख सकते हो काफ़ी कार्य हो चुका है और देखिए अचानक से जो जल बढ़ा है भाई पूरे पत्थरों के ऊपर चढ़ गया है इसके ऊपर। ये आप पत्थर जो देख रहे हो काफ़ी ऊंचाई पे थे उस समय पर दो तीन दिन पहले मैंने देखे थे जो वीडियो डाली यहाँ की, लेकिन आज देखोगे जल इसके ऊपर तक पहुँच चुका है। यहाँ से हम देखेंगे जल पहले काफ़ी साफ था लेकिन देखिए पहाड़ों पे बरसात होने के कारण काफ़ी मटमैला जल पहुँच रहा है यहाँ पर। लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों पर और देखिए जल आप देख रहे हो तो काफ़ी स्पीड में बह रहा है पहले से। तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस वजह से मैं सुबह सुबह आज 7 बजे यहाँ पर गंगा घाट पर पहुँच गया और अचानक से मैंने देखा तो जल इतना बड़ा हुआ है यहाँ पर बस पूछो मत इस चट्टान के ऊपर तक जल पहुँच चुका है। और देखिए इधर हम देखेंगे तो इधर से दिखेगा पूरा नर्रा का गांधी घाट और जो कि काफ़ी श्रद्धालु पीछे स्नान करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर चलते हैं आपको और दर्शन कराते हैं माँ गंगे के। इधर हम देखेंगे देखिए पूरा सूखा पड़ा था और देखिए जल कहां तक पहुंच चुका है। और यहां से हम देखेंगे अपना नर्रा का गांधी घाट तो इस तरीके से दिखाई देगा जो कि काफी श्रद्धालु यहां पर स्नान करते हुए आपको सामने नजर आ रहे होंगे। तो हरा रंगे दोस्तों तो संपूर्ण दर्शन करिए माँ गंगे के बहते हुए जल से और सामने आप देख ही सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं गर्मी के समय पर स्नान करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो जल कितना बढ़ चुका है तो सावधानी से स्नान करें। जो शिल्प था यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा वाला शिल्प था वो पूरा डूब गया है और इसके देखिए काफ़ी ऊंचाई तक जल पहुँच गया है। और गर्मी के समय पर हम देखेंगे तो श्रद्धालु काफ़ी पहुँच रहे हैं यहाँ पर इस घाट पर स्नान करने के लिए। तो ये आप देख रहे हो सामने सारा घाट पूरा फुल चल रहा है। दोस्तों ज़्यादा अंदर न जाएं और सीढ़ियों पर ही स्नान करें ये मैं आपको हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। और चैन वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर तो उस पकड़ के अच्छे से स्नान करें तो काफ़ी इंजॉय करते हुए यहाँ पर श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे होंगे। तो संपूर्ण दर्शन करिए माँ गंगे के नर्रा डैम से और नर्रा गांधी घाट के। देखिए जल जो काफ़ी मटमैला हो चुका है पहले से, देखिए काफ़ी समय बाद पहुँचा जल यहाँ पर क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश से जल पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो आप देख रहे हो कितने श्रद्धालु यहाँ पर इस वाले घाट पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और 12 बजे करीब इतनी धूप और गर्मी हो जाती है बस दूसरी मतभाई चिड़चिड़ाती गर्मी और इतनी धूप जो पड़ रही है तो वीडियो बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं घाट के नीचे ही पहुँच रहा हूँ दिखाता हूँ आपको कितने श्रद्धालु यहाँ पर आपको नज़र आएंगे स्नान करते हुए। देखिए ये नज़ारा है यहाँ का नर्रा के गांधी घाट का। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आप देख रहे हो स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ पहुँच रही है।
की हम बात करें तो काफ़ी सुंदर घाट और पक्का घाट बना हुआ है। देखिए ये है हजारा नहर और इस हजारा नहर को अगर हम देखेंगे तो देखिए जल सारे गेटों में से निकल रहा है और सारे गेट ओपन हैं और सामने आप दिख रहा होगा आपको ये कचरा कितना जमा हो गया यहाँ पर, तो ये सारा पहाड़ों में कट कट कर आ रहा है। और जलकुंडी देख रहे हो आप सामने, देखिए कितनी ज़्यादा बह कर पहुँच रही है इस जल में, आप देख रहे हो इस नहर में। तो काफ़ी ज़ोर तोर से बारिश हुई है पहाड़ों में और वीडियो भी देखी होंगे आपने वहाँ की, तो वो वाला जल यहाँ पर अब आकर पहुँचा है। और जो हजारा नहर देखिए थोड़ा कम चलता था जल, आज देखोगे तो देखिए पूरे जहाँ तक मैं निशान बताया था वहाँ तक जल चल रहा है और काफ़ी फुल चल रही है नहर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ पहुँची हुई है श्रद्धालु के स्नान करने वालों की, जो चिड़चिड़ाती गर्मी के मौसम में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी ब्लॉग, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे।